Urdu Pakistan Science Club. जैसे कि आपने देखा था कि हमने पिछली वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट किया था और उससे हमने ये साबित किया था कि गर्म हवा हल्की होती है और वो ऊपर की जानी बढ़ती है. आज के एक्सपेरिमेंट में मैं ये साबित करूँगा कि गर्म हवा फैलती भी है और जब उसको ठंडा कर दिया जाए तो सुकड़ती भी है. आज के एक्सपेरिमेंट में जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी वो हैं लाइटर, कैंडल, ग्लास, बॉटल और एक प्लास्टिक पाइप. सबसे पहले मैंने ये किया है कि बॉटल के यहाँ पे एक सुराख किया मैंने और उसके अंदर ट्यूब डाल के ग्लू कर दिया है. उसके बाद मैं एक ग्लास लूँगा और इसके अंदर पानी डाल दूँगा. फिर हम फूड कलर लेंगे और थोड़ा सा फूड कलर लेके हम इसके अंदर मिला देंगे. उसके बाद मैं एक बॉटल कैप लूँगा और एक कैंडल लेके उसके अंदर फिक्स कर दूँगा. इसके बाद हमने पाइप लेके ग्लास के अंदर डालना है. अब हम कैंडल को जलाएंगे. अब हम बॉटल लेके इसके ऊपर रख के टाइट कर देंगे. कैंडल बुझ चुकी है. अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पानी इस पाइप के इसके अंदर जाएगा. इसकी वजह मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ. जब हमने कैंडल को जलाया और इस बॉटल को ऊपर रख के कैप टाइट किया तो जो अंदर की हवा थी बॉटल की वो गर्म होना शुरू हुई और प्रेशर क्रिएट हुआ. वो प्रेशर ज़्यादा बढ़ने की वजह से प्रेशर इस पाइप के ज़रिए रिलीज़ हुआ, लेकिन उसके कोने पे ग्लास रखा हुआ था और पाइप उसके अंदर था तो उसकी वजह से बबल्स क्रिएट होना शुरू हुए. जैसे ही कैंडल बुझी तो इसके इर्द गिर्द की जो हवा थी ठंडी, वो ठंडी होनी शुरू हुई और सुकड़नी शुरू हुई. तो उसकी वजह से एक वैक्यूम पैदा हुआ और इस वैक्यूम के ज़रिए पाइप से पानी बॉटल के अंदर आया. आई होप कि आपको मेरा ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो प्लीज़ यूट्यूब पाकिस्तान साइंस क्लब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए.